तो दोस्तों ये है एक कस्टमाइज बजाज पल्सर 150। जी हाँ, ये जो आप मोटरसाइकिल देख रहे हैं ये एक पुरानी वाली बजाज पल्सर 150 है और आप लोग इसका लुक देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक बॉबर का लुक दिया गया है। इस मोटरसाइकिल को मॉडिफाई किया है अघोरी कस्टम्स ने जो कि पंजाब में बेस्ड हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इसी मोटरसाइकिल के बारे में सारे कुछ जानकारी दूंगा कि इस बाइक में ऐसा क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं और क्या क्या मॉडिफिकेशन इस पुरानी बजाज पल्सर में किया गया है। सबसे पहले तो मैं आप बता दूं, इस मोटरसाइकिल का आपको राइड वाला वीडियो और जो एग्जॉस्ट वीडियो है वो आपको वीडियो के लास्ट में सुनने मिल जाएगा, देखने मिल जाएगा। सो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो अब शुरुआत करते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। सो जैसा कि आप लोग फ्रंट लुक देख रहे हैं, यहाँ पे अब आपको पूरा एक ऑल LED का हेडलैम्प लगाया गया जिसमें आपको LED DRLs भी हैं और साथ ही साथ अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें आपको LED इंडिकेटर्स का भी यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जितने लोग भी मेरे व्यूअर्स हैं और जितने लोग अभी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग सच में यार बहुत ही कमाल के लोग हो, क्योंकि आप लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हो, मोटिवेट करते हो कि मैं आप सभी लोगों को इस तरह का वीडियोस दिखाते रहता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो को मेरा जो एम है, जो लाइक्स का एम है, वो है 10,000 लाइक्स और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ 10,000 लाइक्स करवा देना, क्योंकि आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हो और मैंने लास्ट टाइम भी अपने वीडियोज़ में कहा था, उस वीडियो में भी आपने अच्छा खासा सपोर्ट किया और मेरे 10,000 से बढ़कर आपने 30,000 लाइक्स किया। सो मैं इस वीडियो में आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ यार लाइक कर देना और 10,000 का मेरे यहाँ पे एम है। सो अब आते हैं इस मोटरसाइकिल के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया कि यहाँ पे फ्रंट में अब आपको ऑल LED हेडलैम्प देखने मिलता है जिसमें आपको DRLs भी देखने मिलता है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान देंगे जो इसका सस्पेंशन सेटअप है वो भी यहाँ पे चेंज किया गया है, जिसके कारण जो फ्रंट से बाइक का जो लुक है काफ़ी ज़्यादा ऊँचा आ रहा है, जो कि आपको यूजुअली एवेंजर वगैरह सस्पेंशन अगर आप लगाएंगे तो आपको इस तरह का लुक देखने मिल जाएगा। अब आते हैं इसके टायर्स के ऊपर से। जैसे कि आप लोग टायर्स देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बल्कि टायर्स लगाए गए हैं। सो यहाँ पे जो फ्रंट वाला जो अलॉय है वो यहाँ पे 17 इंच का अलॉय है और जो रियर अलॉय है वो यहाँ पे आपको 15 इंच का अलॉय देखने मिल जा रहा है। अगर हम बात करें टायर साइज़ के बारे में, सो यहाँ पे जो फ्रंट टायर का जो साइज़ है वो है आपका 100 का साइज़ है और जो पीछे वाला टायर है काफ़ी ज़्यादा मोटा टायर है, वो यहाँ पे लगा गया 170 mm का टायर, काफ़ी ज़्यादा मोटा है, तभी तो गाड़ी पीछे से काफ़ी ज़्यादा बल्कि देखने में लग रही है। उसके अलावा अगर आप लोग चेंजेस देखेंगे तो वो आपको देखने मिलेगा इसके हैंडल बार पर। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हैंडल बार भी कस्टमाइज़ किया गया है, जिसमें आपको एक बहुत ही अल्टीमेट लुक आता है। जब आप लोग इसका राइड वाला वीडियो देखेंगे तब आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि इसका जो लुक आता है चलाते टाइम काफ़ी ज़्यादा मस्त आता है। सो ये तो हो गई अब आपकी टायर्स की बात और इसके अलॉयज की बात। अब आते हैं इसका एग्जॉस्ट सेटअप। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ट्विन एग्जॉस्ट सेटअप लगाया है जिसका साउंड काफ़ी ज़्यादा मस्त है और आपने वीडियो की शुरुआत में तो सुन ही लिया होगा, काफ़ी ज़्यादा चंकी एकदम आवाज़ है इसकी, काफ़ी ज़्यादा बुलंद यहाँ पर आवाज़ आपको सुनने मिलेगा, मतलब बहुत ही अल्टीमेट ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर हार्ले डेविडसन का बाइक आ रहा है और उसी तरह का यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट भी सुनने मिल जाता है। सो दोस्तों, आप सभी लोग को इसका एग्जॉस्ट कैसे लगेगा आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस मोटरसाइकिल में चेंजेस देखेंगे तो वो है इसका फ्यूल टैंक। जैसे यहाँ पे आप लोग फ्यूल टैंक देख रहे हैं, ये फ्यूल टैंक लिया गया है आपके हार्ले डेविडसन 883 का फ्यूल टैंक, जो कि पीनट सेल का फ्यूल टैंक है, काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है और इस तरह के बॉबर डिजाइनिंग में आपको इसी तरह का फ्यूल टैंक का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें आपका एक जो लुक भी आता है काफ़ी ज़्यादा मस्त लुक आता है। यहाँ पे आप लोग इसका फ्रेम का डिज़ाइन देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो फ्रेम का डिज़ाइन वो भी यहाँ पे चेंज किया गया है, तभी जाके आप लोग पीछे का टायर और आगे टायर में आपको जो डिज़ाइनिंग दिख रही है एक बॉबर का जो लाइनअप है वो आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिख पा रहा होगा। अब आते हैं इसके फ्यूल टैंक के कलर के ऊपर। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक फ्यूल टैंक पे कलर किया गया है और जो इसकी सारी बॉडी का नीचे कलर है वो यहाँ पे ब्लैक ही रखा गया है, लेकिन यहाँ पे जो फ्यूल टैंक का कलर है वो आपको आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से लग रहा है। अभी आप लोग इस मोटरसाइकिल का साइड प्रोफाइल देखिए, साइड प्रोफाइल
से भी काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है। सबसे पहले तो बात करूँ, ये एक मॉडिफाइड बजाज पल्सर है, कोई इसको देख के बोल नहीं सकता कि ये एक बजाज पल्सर थी, क्योंकि अगर आप इसे भी इसका इंजन देखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि ये एक कोई बजाज की मोटरसाइकिल है। लेकिन आप लोग इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, किस तरह से बाइक को ओवरऑल ट्रांसफॉर्म कर दिया गया एक बॉबर के स्टाइल में। सो दोस्तों, अगर आप सभी लोग को इसका जो मॉडिफिकेशन प्राइस देना है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में आपके आके पूछ सकते हैं, मैं आप सभी लोग को इंस्टाग्राम में बता दूंगा। और जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो है मोटोमल, आप लोग सिंपली इंस्टाग्राम में सर्च कर सकते हैं मोटोमल, वहाँ पर आप लोग मुझसे इस मोटरसाइकिल के बारे में सारी कुछ जानकारी वहाँ पर पूछ सकते हैं, और चाहे तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, आप लोग इसका साइड प्रोफाइल आपको कैसा लग रहा है देखिए आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इंडिकेटर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, जो कि इसके कस्टमाइज फेंडर में लगाया गया है। जी हाँ, जो इसका पीछे का जो फेंडर है वो यहाँ पे कस्टमाइज़ किया गया है, और उसके आप लोग प्लेसमेंट भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट लग रही है। ये अभी आप लोग इसके साइड साइड में फोटोज़ देख रहे हैं किस तरह से मोटरसाइकिल लगती है अगर आप साइड साइड में लगाते हैं। साइड प्रोफाइल से देखने में मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। आप सभी लोगों को कैसा लगा ये बजाज पल्सर, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग बताते हैं, आपका फीडबैक है मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सुनता हूँ, और सेम चीज़ आपके मॉडिफायर को भी दिखती है तो वो अपने काम में इंप्रूवमेंट यहाँ पे कर सकता है। सो साइड प्रोफाइल में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसका साइड पैनल भी देखिए, जो कि बुलेट के स्टाइल के साइड पैनल है, जो बुलेट में आता है बैटरी बॉक्स, उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम टू सेम साइड का बॉक्स लगाया गया, जो कि एक मस्त चीज़ है, क्योंकि आपकी जितनी भी एसेसरीज वगैरह होती हैं वो आप उसके अंदर डाल सकते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो आप उस जो साइड बॉक्स है उसमें आप लोग डाल सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो है इसका सीट, आप लोग इसका सीट देख सकते हैं किस तरह से कस्टमाइज सीट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसमें आराम से आप लोग दो लोग बैठ सकते हैं, और आप लोग उसका डिज़ाइन भी देख सकते हैं किस तरह से आपके सीट का डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। सो दोस्तों, बहुत जल्दी मैं आप सभी लोगों से एग्जॉस्ट बेस साउंड सुनाऊंगा, सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। सो दोस्तों, उसके अलावा आप सभी लोग देखेंगे तो इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है, डायमेंशन है, किस तरह से यहाँ पे चेंज किया गया, तभी जाके एक बॉबर का प्रॉपर लुक यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली है वो इसका साइड का नंबर प्लेट होल्डर, देख जो कि आपको हार्ले डेविडसन वगैरह बाइक में आप अगर जितना भी देखेंगे तो उसमें साइड में नंबर प्लेट रहता है। सो इस मोटरसाइकिल को भी उसी स्टाइल में एक साइड में नंबर प्लेट दिया गया है, मतलब इसको ओवरऑल अगर डिज़ाइन बोलेंगे तो ये एक मॉडिफाइड बजाज पल्सर है एज अ, मतलब आप हार्ले डेविडसन स्टाइल बोल सकते हैं, मतलब क्योंकि जितने की हार्लेस की बॉबर्स बाइक आती है उसी से इंस्पिरेशन लेके इस मोटरसाइकिल को भी डिज़ाइन किया गया। और आप लोग इसका ओवरऑल एंड प्रोडक्ट देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन का पूरा लुक आ रहा है, मतलब पूरा ओवरऑल मोटरसाइकिल का जो डिज़ाइन है पूरी तरह से यहाँ पे चेंज हो गया है। आप लोग इसका जो ऑलरेडी हेडलैम्प का प्लेसमेंट भी देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊंचे पोजीशन में लगाया गया है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने लग रहा है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को ये कस्टमाइज बजाज पल्सर 150 cc पसंद आया होगा एज अ बॉबर सेल में, क्योंकि बहुत ही कम लोग इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं एक बॉबर सेल के लिए, क्योंकि मैक्सिमम आप अगर आप देखेंगे तो आपको कैफे रेसर या स्क्रैम्बलर या इस तरह के मॉडिफिकेशन देखेंगे, लेकिन एक बजाज पल्सर पे एक बॉबर का बहुत ही कम आपको वीडियोज़ देखने मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग पहले इसका एग्जॉस्ट साउंड का वीडियो एंजॉय करिए, क्योंकि इसका एग्जॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, देखना आप सभी लोग को पसंद ज़रूर आने वाला है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके ओवरऑल जितने भी बचे हुए इस चीज़ के बारे में, सारी कुछ जानकारी आपको वीडियो को लास्ट में देता हूं। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको इसका एग्जॉस्ट, काफ़ी ज़्यादा मस्त है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाउड यहाँ पे एग्जॉस्ट है। और दोस्तों, अगर आपको इसका राइड वाला वीडियो देखना है तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि लास्ट में आप सभी लोग को इसका जो राइड वाला वीडियो है वो भी आपको देखने मिल जाएगा। सो अभी आप लोग इसका एक क्लोज शॉट देखिए कि मोटरसाइकिल का जो डिज़ाइन है किस तरह से चेंज हुआ है, और अगर आप लोग देख सकते हैं जो इसका पीछे का सस्पेंशन सेटअप है वो भी यहाँ पे चेंज किया गया है, क्योंकि बजाज पल्सर में थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का सस्पेंशन आता है, और इस मोटरसाइकिल को अगर बॉबर लुक देना है वो भी 15 inch रिम के टायर के साथ, तो आपको इस तरह सस्पेंशन भी यूज करना पड़ेगा। और पीछे में टेल सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं स्कल वाला टेल लैंप है, जो कि रात में ग्लो होने में बहुत ही अच्छा लगता है, और पीछे से एक स्कल का लुक आता है, और जो कि आपको वीडियो को लास्ट में देखने मिल जाएगा। सो प्लीज इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए।
सो देखिए दोस्तों कैसा लगा, मैं बताया था ना काफ़ी ज़्यादा मस्त इसका साउंड है और इसका जो राइड वाला वीडियो भी वो भी कितना मस्त है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग को ये कस्टमाइजेशन पसंद आया होगा और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप सभी लोग को ये मोटरसाइकिल कैसा लगा आपको ये कस्टमाइज बजाज पल्सर 150 एज अ बॉबर सेल में, आप लोग प्लीज़ कमेंट से मुझे जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि मैं इस चैनल में आप सभी लोग को एक से एक कस्टमाइज बाइक के वीडियोज़ दिखाते रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, enjoy.